Assalamu alaikum students, I am Havish Imran, your facilitator, and today I am going to discuss with you people acculturation theory. Acculturation theory बहुत जैसे कहें difficult सा name है और जब हम इसको सुनते हैं तो हम थोड़ा सा stop हो जाते हैं कि acculturation actually है क्या, और मैं इसी के बारे में बात करूँगी कि acculturation theory की importance क्या है. Being a student of TAFL, you should know being a good teachers of the future that what type of student you can have in your classes. और जब अगर आपको ऐसी क्लास मिल जाती है जहाँ पर different type of students बैठे होते हैं तो वहाँ पर आपका behavior क्या होना चाहिए, ठीक है. और let's take a start in a proper manner और हम ये देख लेते हैं कि acculturation theory actually है क्या. सो हम पहला पॉइंट देखते हैं इसमें. acculturation theory को हम पहले define कर लेते हैं. Proposed by John H. Sitman, American linguist, defined as exchange of cultural features when two or more different cultures come in contact, continuous contact. यहाँ पर दो important चीज़ हैं. एक ये है कि एक ऐसा exchange environmental है, ठीक है, ऐसा environmental है जो कि exchange one है, different one है with the routine one, ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स के लोग जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं और वो कंटिन्यूस बेस पर कांटेक्ट करते हैं. एंड एट द सेम टाइम शेयरिंग ऑफ द डिफरेंसेस इन कल्चर्स दिस में आल्टर और चेंज अ कल्चर बट स्टिल रिमेन्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. अब जब बहुत सारे कल्चर के स्टूडेंट्स एक जगह पर बैठे होंगे और आपको एक ऐसा क्लासरूम दे दिया गया है जो कि नॉर्मल क्लासरूम से डिफरेंट है, ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पर मिक्सिंग ऑफ कल्चर होगी. वो अपना कल्चर, हर एक स्टूडेंट अपना कल्चर अपने साथ लेकर आएगा और इसके साथ क्या होगा कि वो आपस में बैठेंगे और बैठकर जो है वो आपस में ना सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे, इंट्रैक्ट करेंगे और इंट्रैक्ट करने के साथ साथ जो है अपना कल्चर भी जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है. और हो सकता है कि जो आपको ऐसी क्लास मिले जो कि जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स हों जो कि एक दूसरे के ओपोनेंट हो, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि आपको ऐसे क्लासरूम में या एक ऐसी क्लासरूम मिल जाए जिसमें सारे के सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड दे आर एबल टू एक्सेप्ट वन अनदर ईजीली. क्योंकि जब ऐसी क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो वी कैन से दैट वाओ इट्स एन आइडियल क्लास. लेकिन मोस्टली जो है वो TAFL टीचर्स को जो है वो आइडियल क्लासेस नहीं मिलती, बल्कि क्या होता है कि आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ वी कैन से दैट क्लासेस में जा ऐसी क्लासेस में जाते हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल स्टूडेंट्स आर सिटिंग. ठीक है, कल्चरल स्टूडेंट यहाँ पे कह रही हूँ, हालांकि मुझे कहना चाहिए कि स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स आर सिटिंग टुगेदर. ओके, एक्कल्चरेशन फैक्टर की हम बात कर लेते हैं. ठीक है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लर्निंग पर किसी भी लैंग्वेज के इफेक्ट करते हैं. सॉरी, एक्कल्चरेशन फैक्टर में दो तरह के फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, अफेक्टिव फैक्टर्स हैं, जिसे हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट कर सकते हैं ऑन द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग. ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जब आपको क्लासरूम दिया जाता है तो वहाँ पर आपका टारगेट होता है हाउ टू टीच योर टारगेट लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कौन कौन से ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जो कि सोसाइटी की तरफ से आ रहे हैं और आपकी लर्निंग पर इफेक्ट हो रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज की. इसमें हम देखते हैं डोमिनेंस है, नॉन डोमिनेंस है, सबऑर्डिनेशन है, एसिमिलेशन, एक्कल्चरेशन, प्रिवेंशन है, कोहेसिवनेस है, एटीट्यूड, इंटेंडिंग लेंथ ऑफ रेजिडेंस ऑफ टारगेट लैंग्वेज एरिया. ये सोशल फैक्टर्स में आते हैं. ठीक है, बहुत जैसे कहें कि हम डिफ़िकल्ट टर्म्स लग रही हैं लेकिन अभी हम इनको डिस्कस कर लेंगे तो ये सारी ईजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए. अफेक्टिव फैक्टर्स को हम देख लेते हैं जो कि साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स कहलाते हैं. इसमें लैंग्वेज शॉक रहता है, कल्चर शॉक रहता है, मोटिवेशन है, ईगो, परमिएटिवली. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से अफेक्टिव फैक्टर्स हैं जो कि रादर देन है सोशल फैक्टर्स. ठीक है, ये सोसाइटी का हिस्सा नहीं होते बल्कि हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकली जो है वो आपके माइंड पर इफेक्ट करते हैं. ठीक है, इनका कहीं ना कहीं लिंक सोशल फैक्टर से तो होगा लेकिन इनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होगा. नाउ लेट्स टेक स्टार्ट फ्रॉम द सोशल फैक्टर्स. हम सोशल फैक्टर्स से स्टार्ट लेते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा फर्स्ट वन जो है वो है सोशल डोमिनेंस. सोशल डोमिनेंस में जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्लासरूम है, ठीक है, और उस क्लासरूम में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं वेरियस टाइप ऑफ कल्चर से. ठीक है, और
now focusing on social dominance is simply defined as one culture is on a higher hierarchy. The much superior hierarchy greatly influences the much inferior culture. अब ऐसा क्लासरूम है जहाँ पर एक अमेरिकन स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, एक अफ्रीकन स्टूडेंट है, ठीक है, और दे बिलोंग टू वेरियस टाइप ऑफ वर्ल्ड्स. जैसे हम कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मतलब स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, ठीक है, या हम ये कहते हैं कि ठीक है एलीट क्लास के कुछ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं ऐसे हम कहते हैं कि क्लासेस से या सोसाइटी से जो कि इलीट मानी जाती हैं, ठीक है. अभी क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इन्फीरियर कल्चर से बिलोंग करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स वो इन्फ्लुएंस ले लेंगे किनका, जो कि डोमिनेंट सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं. अब हो सकता है कि वो स्टूडेंट जो कि डोमिनेंट सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है उसे कुछ भी ना आता हो, लेकिन क्योंकि एक इमेज बैठा हुआ है हमारे माइंड में कि वो एक डोमिनेंट सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसका कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वन समझा जाता है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, ठीक है. तो क्या होगा कि जो इन्फीरियर कल्चर से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट वो उससे इंस्पायर हो जाएंगे, इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है, उसके ओपोनेंट बन सकते हैं, उसको जिसे हम कहते हैं कि एक्सेप्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ क्या होता है कि ना सिर्फ इन्फीरियर कल्चर वाले उससे इंस्पायर होते हैं बल्कि जो डोमिनेंट कल्चर वाले हैं वो खुद भी ये जानते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू डोमिनेंट सोसाइटी, तो वो कोशिश करते हैं टू सप्रेस द अदर पीपल, कि वो दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सप्रेस करें, अपनी इंपॉर्टेंस शो करें क्लास में, ठीक है. तो दिस इज़ वी कैन से सोशल डोमिनेंस. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो सोशल कल्चर है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एज अ वी कैन से दैट इम्पॉर्टेंट वन, और वी कैन से दैट अब हम इंटीग्रेशन पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है. इसमें पास तीन एलिमेंट्स आते हैं, एसिमिलेशन है, प्रिजर्वेशन है, अडॉप्टेशन है. एसिमिलेशन की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो अपने अपने लाइफ स्टाइल को जो है वो छोड़ देते हैं और जो इंस्पायर टारगेट लैंग्वेज ग्रुप होता है, ठीक है, उसके लाइफ स्टाइल को वो ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं. प्रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि वो अपने अपने लाइफ स्टाइल में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो उसी पर जिसे हम कहते हैं कि रिजिड रहते हैं, ठीक है, और वो कोशिश भी नहीं करते दूसरे के लाइफ स्टाइल को सीखने की. इसलिए क्या होता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो आपस में लड़ पड़े क्योंकि दे डोंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट द अदर. तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में. अडॉप्टेशन की बात करते हैं तो इसमें जो टारगेट ग्रुप का लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उसको अडॉप्ट तो किया जाता है लेकिन जो हम कहते हैं कि जो लर्नर्स बैठे होते हैं वो अपना लाइफ स्टाइल भी नहीं छोड़ते. तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें चीज़ें क्या है. एसिमिलेशन की बात करते हैं, द कल्चर गिव्स अप इट्स ओन लाइफ स्टाइल टू अडॉप्ट टू द कल्चर लैंग्वेज इट वॉन्ट्स टू लर्न, ठीक है. मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि जो कल्चर है, ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं वो अपना लाइफ स्टाइल छोड़ देते हैं और टारगेट लैंग्वेज के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं और वो उस लैंग्वेज को ईजिली भी जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं. तो इससे क्या होता है, इट मैक्सिमाइज द कॉन्टैक्ट, कि क्या होगा कि ऐसा क्लासरूम जो होगा वो बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, ठीक है, और वो लर्न भी जल्दी करेंगे. प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, दिस स्ट्रैटेजी मेंटेन इट्स ओन लाइफ स्टाइल एंड रिजेक्ट्स द टारगेट ग्रुप्स लैंग्वेज एक्विजिशन. इसमें क्या होगा कि अपने अपने लाइफ स्टाइल में वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है, और जो टारगेट ग्रुप का लैंग्वेज एक्विजिशन है, ठीक है, वो उसको छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है. इट क्रिएट्स अ रिफ्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स. इसमें क्या हो सकता है कि दो ग्रुप्स वहाँ पे जो मौजूद हैं उनके दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है. अडॉप्टेशन की बात आती है तो हम देखते हैं, दिस स्ट्रेटजी अडॉप्ट्स द टारगेट ग्रुप्स लाइफ स्टाइल एंड लैंग्वेज बट आल्सो मेंटेन इट्स ओन लाइफ स्टाइल एंड वैल्यूज. दिस इज द मोस्ट वी कैन से दैट अप्रोप्रिएट वन, क्योंकि इसमें टारगेट लैंग्वेज को भी सीख लिया जाता है और अपने लाइफ स्टाइल पर भी स्टूडेंट जो हैं वो कायम रहते हैं, वो उसको नहीं छोड़ते. तो आज हमने सिर्फ दो ही फैक्टर डिस्कस किए हैं, कल इंशाल्लाह हम मज़ीद इसके फैक्टर डिस्कस कर लेंगे. आई होप दैट दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सी यू सून टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.